बहुत अधिक कर्ज के जाल में फंसे हो और उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हो, तो वो कर्ज हो सकता है होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है। उसको कैसे खत्म करना है आज हम 7 स्टेप के बारे में बात करेंगे। उस स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपका कर्ज जल्द से जल्द खत्म कर सकते हो। पहला है आपने अपने कर्जों की लिस्ट बनाना है, उसके बाद उसके सामने अमाउंट लिखना है, उसके बाद उसके सामने आपको उसका परसेंटेज लिखना है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जिसका आता है उसको सबसे ऊपर करना है, उसको सबसे पहले खत्म करना है। दूसरा है आपको अपने कर्जों का अब बजट बनाना है। अपना बजट कैसे बनाओगे, आपकी कहाँ से इनकम हो रही है और आप कहाँ खर्च कर रहे हो, इसका बजट बनाना है। तीसरा है आपको क्या करना है, अपने घर में जो अननेसेसरी चीज़ें पड़ी है एक साल से जिनका यूज़ नहीं किया है, जैसे हो सकता है लैपटॉप हो सकता है या मोबाइल हो सकता है या फर्नीचर हो सकता है, उनको आपको बेचना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब तक आपका पुराना कर्ज पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको नए कर्ज नहीं लेना है। वो जैसे आप घर बनाना चाहते हो या शादी करना चाहते हो या नया व्हीकल चलना चाहते हो, इसको नहीं लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना है। अब हमें इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, या नई स्किल सीख के आप अपने इनकम बढ़ा सकते हो, या पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में वो है जो आप अपने दिमाग में जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनको खत्म करना है। जैसे कि ऐसे नेगेटिव विचार कैसे, कि मैं इसको खत्म ही नहीं कर सकता, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस विचारों को आपको खत्म करना है। इनकी जगह पर क्या विचार करना है कि मैं इसको कैसे जल्द जल्द खत्म कर सकता हूँ, ये विचार ला के आप अपने कर्ज को खत्म कर सकते हो। तो ये 7 स्टेप अगर आप यूज़ करोगे तो आप जल्द से अपने कर्ज को खत्म कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।